कर रहे हैं, आपकी लोकल की टीम भी इधर है, यहाँ घाटों पर पड़े उसका कोई नहीं, हम जितना चाहें ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सब यहाँ की जल्द से रोकना चाहिए, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमारे कभी कोशिश करने के लिए टाइम दीजिए, क्योंकि ये सुविधा का नहीं हुआ है, हमारे इधर का कुछ नहीं, हम घर बैठे उनको अच्छी तरह से बुला के लेके आए, उनके साथ जो वाइल उनके एडवोकेट वाइल है और दूसरे भी कोई पठान सर है जो एडवोकेट है उनके भाई को भी उनके साथ में रखा है, उसका हम जितना हो सके हम पूरा कोशिश करें कि मैटर इधर किधर ही सुलझना चाहिए, तो जरा कॉपरेट किए रास्ते में कोई रुकी मत, आगे आने की जरूरत नहीं, जो आपके साथ मतलब लोग हैं उनके भाई भी इधर आए उनके भी मिलवा देंगे, जो है कानून लीगल प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए कोई गलत नहीं करेगा, जो भी है लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उनके ऑफिस में आने दो उसके बाद में रजिस्टर फाइन हो जाएगा, तब तक स्टेटमेंट और इंक्वायरी चालू रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अजीजा निगरानी मर्तबाना गुजारिश है कि अभी जो मामला चल रहे हैं इसके मुतालिक बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ मामले को देखेंगे और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि मामले को यहीं पर मुकम्मल किया जाए और इसके लिए APSP कोऑपरेट करने के लिए तैयार है और ख़ास तौर पर हमारे सीनियर साहब जो है हमारे देशमुख सर जो है यहीं पर मामले को करने की कोशिश में है, क्योंकि APS वाले थोड़ी से वो दबाव बना रहे हैं कि नहीं आपको ले जाना पड़ेगा, मगर फिर भी हमारी कोशिश है, आपसे मेरी मर्तबाना इल्तिमास और गुजारिश है शोर शराबा ना करें और ज़्यादा वो अलर्ट भी नहीं होना चाहिए, अभी नारेबाजी भी ना करें, खामोशी के साथ हाँ बस मुतालबा आप करते रहें कि हमारी मांग ये है कि हमको यहाँ पर मामले को ये करना है और जहाँ तक हो सके आप सबका ये सीनियर साहब और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करना है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मामला आसानी से हल होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर है, हमारे सलमान मुफ्ती साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, आप लोग उनके लिए दुआ करिएगा और उनकी सेहत के लिए दुआ करिए, वो जल्द से जल्द इंशाअल्लाह बाहर आ जाएं और जो है उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो है उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है और जो है उन्होंने नफ़रत फैलाई है, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग देखिए वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। कि मस्जिद तोड़कर अपना माबद बनाना है, मस्जिद को खत्म कर दिया, शहीद कर दिया, भाई हुकूमत तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, कोर्ट तुम्हारे पास, वकील तुम्हारे पास, बना लो बड़े जोर शोर से सब बना। हमसे एक इंटरव्यू वाले ने पूछा आप इस पर क्या कहते हैं, हमने सिर्फ इतना ही कहा कि बनाने के लिए कहो लेकिन थोड़ा किबला देख कर बना लेना, अच्छा है भाई किबला देखकर बना लेना, ये क्यों कहा, क्योंकि हमें पता है मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक दौर आएगा जब हर दीवार से आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, हर जगह से अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजेगी।